नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल बुंदेली महिमा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार की तरफ से होने वाले सम्मेलन विवाह के बारे में। आखिरकार सरकार की तरफ से जो सम्मेलन विवाह होता है, वो विवाह कैसे होता है, उसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और सम्मेलन के होने वाले विवाह में क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं, और साथ ही बताएंगे कि 2024 में सम्मेलन विवाह कब है, कितने तारीख से है, पूरी जानकारी आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इसी यूट्यूब चैनल बुंदेली महिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन देखे उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2024 में सम्मेलन का विवाह कब है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 2024 में सामूहिक विवाह या सम्मेलन विवाह की तारीख 22 जनवरी जो कि अभी निकल चुकी है, इसके बाद 22 जनवरी के बाद अगली डेट आनी है, वो अगली डेट है 7 मार्च की, यानी कि 22 तारीख की, 22 जनवरी की डेट निकल चुकी है। इसके बाद एक और नई तारीख आने वाली है जो है 7 मार्च को सम्मेलन का विवाह होना है, जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार सम्मेलन के विवाह में क्या क्या दान दहेज मिलता है, कितने रुपये मिलते हैं। चलिए तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से हो रहे सम्मेलन के विवाह या सामूहिक विवाह में वर वधु को कपड़े, चांदी की बिछिया या चांदी के पायल दिए जाते हैं, एक डिनर सेट दिया जाता है, एक प्रेशर कुकर दिया जाता है, एक ट्रॉली बैग दिया जाता है। ट्रॉली बैग वही जिसमें जिस बैग में चक्के लगे होते हैं और अपन लोग पकड़कर धड़काते हैं, ठीक है। इसके बाद एक वैनिटी किट दी जाती है एवं दीवार घड़ी प्रदान की जाती है। चलिए अब इसके बाद आप लोगों के लिए बता देते हैं कि जो सम्मेलन का विवाह होता है, मुख्यमंत्री द्वारा जो विवाह करवाया जाता है, सामूहिक विवाह, इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इसमें टोटल 35,000 रुपये आपके खाते में प्रदान किए जाते हैं या ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अब यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि सम्मेलन में शादी के लिए क्या क्या कागज की जरूरत है, किन किन चीजों को क्या क्या कौन कौन सी प्रोसेस करनी पड़ती है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके लिए हम एक से एक अलग से फुल डिटेल की वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों के लिए जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार की तरह वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।